नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। एक बहुत ही स्टुपिड सी खबर आई है, देख ही लिया होगा आपने कैप्शन में, ब्रेकिंग न्यूज आर्यन खान। तो आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है एनसीबी के तरफ से। एनसीबी ने यह कह दिया है कि आर्यन खान ड्रग्स के मामले में पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला था, कोई ड्रग्स नहीं मिला था उस पार्टी में, और ऐसी कोई भी संभावनाएं या ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो बता सके कि आर्यन खान ड्रग्स में इन्वॉल्व था या उस रेव पार्टी में इन्वॉल्व था। एनसीबी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये बात सही है कि आर्यन खान किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं था, तो ये बात गलत हो सकती है? आप लोगों ने ही बताया था, व्हाट्सएप चैट्स निकाली थी अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच में, जो कि ड्रग्स को लेकर सामने आई थी। उन दोनों का खरीदना बेचना इंटरनेशनल सिंडिकेट स्कैंडल्स, इंटरनेशनल सिंडिकेट्स यानी कि ड्रग पैडलर्स के साथ बात करना, ड्रग पैडलर्स को इनफैक्ट पकड़वाना, तो एनसीबी ये गलत था क्या? आप गलत हो। हमारे सचिन, हमारे समीर वांगखेड़े के बाद, हमारे समीर वांगखेड़े के जाने के बाद एनसीबी बिक चुकी है। यस, ये मैं पूरे होशो हवाज में कह रही हूं, ये खबर शायद वायरल हो चुकी होगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के साथ ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या था, वो व्हाट्सएप चैट्स, वो जो आर्यन खान के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स मिली थी, वो अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान के साथ की गई, वो सारे ड्रग पेडलर्स की बातें जो व्हाट्सएप पे मिली थी, वो सब क्या था? वो झूठ था या ये झूठ है? एनसीबी, अब तुमको कितने पैसों में खरीदा गया है? शाहरुख खान बहुत बड़ा बादशाह होगा, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के चलते वो एक बाप बना, उसने तो अपना बाप का फर्ज निभा लिया, खरीद लिया तुम लोगों को, और तुम लोग भी बिक चुके। समीर वांगखेड़े के बाद आप लोगों में इतना दम नहीं है कि आप सच्चाई को सच कह सको, इसीलिए आप लोगों ने समीर वांगखेड़े को इस मामले से दूर रखा है, क्योंकि आप लोग जानते हो समीर वांगखेड़े झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये रेव पार्टीज हो या कोई भी कहां कहां से सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़वाया है, बॉलीवुड का नंगा नाच करवाया है। वो समीर वांगखेड़े के जाने के बाद एनसीबी, आप लोग भी बिक चुके हो। ये कहा जा रहा है कि आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी, किस बिनाम पर क्लीन चिट दे दी? बहुत बड़ा एक मामला है, आर्यन खान को छोड़ दिया गया, निर्दोष कह दिया गया, क्या हो रहा है ये? एनसीबी, आप पूरी तरह से गलत हो। चेंज योर डिसीजन। अगर आप लोग हैशटैग बनाते हो, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है कैसे इन चीजों को पावर में लाकर, मीडिया, सोशल मीडिया पावर में लाकर इस फैसले को बदल सकती है। आप लोग क्या सोचते हो इस फैसले पर, मुझे कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ ये हैशटैग बनाइए, #ChangeTheDecisionNCB #ChangeTheDecisionNCB। आर्यन खान निर्दोष नहीं है, उसके नाम पर बहुत सारे सबूत हमें मिले थे जो कि पूरी तरह से कहते हैं कि आर्यन खान दोषी है। उसने खुद अपने गवाहों के दौरान पर, उसने अपने रिमांड के दौरान उसने खुद अपने मुंह से बोला है 4 साल से वो ड्रग्स लेता था, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व्ड है, उसने सॉरीज कहा है,
उसने अपने माँ बाप को ये कहा है कि उन लोगों का केयर नहीं मिलने पर उन लोग का टेंशन लेने के लिए उसने ये सब करा है। उसने हर चीज मानी थी उसी एनसीबी की ऑफिस में जब समीर वानखेड़े थे। तो अभी समीर वानखेड़े नहीं है तो दुनिया पलट गई, देख लीजिए। यही है इन सब की सच्चाई। धीरे 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 सारी एजेंसीज अपने आप को बेच रही है। क्या कहूं मैं, कुछ कहने को नहीं है, नथिंग टू से। काफी लोग इसके खिलाफ है, इस डिसीजन के खिलाफ है, मेरी तरह खिलाफ है, और ट्वीट कर रहे हैं काफी लोग, अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। तो काफी लोग अपने फैन फॉलोइंग यानी कि शाहरुख की फैन फॉलोइंग की वजह से आर्यन खान को दोषी क्लीन चिट मिलने पर बहुत खुशी जता रहे हैं। लेकिन अगर आप में सच्चाई है तो सच्चाई का सामना करके आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है। इट्स अ वेरी बिग न्यूज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या कहूं। दूसरी एक मामूली सी अपडेट है, कपिल शर्मा का शो खत्म होने वाला है। अब ये पृथ्वीराज जो है, अक्षय कुमार जो सबसे ज्यादा कपिल शर्मा के शोज में आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवीज उसी ने करी है। कोई भी मूवी करना और प्रमोशन में आना, यही रवैया था। और अब कपिल शर्मा को समझ आ चुका है कि बॉलीवुड जिस तरह से अपनी जमीन छोड़ रहा है उसका भी बोलबाला खत्म हो सकता है। तो इस वजह से उसने इस पृथ्वीराज वाले प्रमोशनल इवेंट वाले डे को फाइनल डे बनाया है। वो आखिरी एपिसोड है और इसके बाद कपिल शर्मा की पूरी टीम यूएस एंड कनाडा के लिए निकलने वाली है, अपने शोज वहां करेंगी। अर्चना पूरन सिंह के बारे में बताना चाहती हूं कि शेखर सुमन के साथ एक नया शो आ रहा है बहुत ही जल्द उसी चैनल पर उसी वक्त पे, ताकि लोगों का मनोरंजन होता रहे। कॉमेडी शो होगा, कोई प्रमोशनल शो अभी तक फिलहाल नहीं समझ में आया है, बट शायद कोई कॉमेडी शो है, कोई कॉम्पिटिशन है। शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह दोनों होस्ट करने वाले हैं, दोनों जजेस बनने वाले हैं। एंड बहुत जल्दी शायद नेक्स्ट ईयर 2022 तो नहीं बट 2023 में शायद कपिल अपनी एंट्री करे OTT में। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप अपने कमेंट्स मुझे आर्यन वाले केस में ज़रूर बताइए। मैं बहुत निराश हूँ, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये जानकर। खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, इस समाज में क्या करें, कैसे जिए हम, किस गवर्नमेंट को मानकर जिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कल किसी का कत्ल मैं करके कुछ 50,000 1,00,000 रुपए दूंगी तो क्या मैं भी छूट जाऊंगी, या फिर ये रूल सिर्फ करोड़पति अरबोंपति उन लोगों के लिए है, हम जैसे मामूली लोगों के लिए नहीं। हम जैसे मामूली लोगों के लिए जेल में वही खाना मिलेगा जो सबको मिल रहा है, देर विल बी नो स्पेशल डाइट। जेल में हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वही अटैच बाथरूम होगा जो गंदा होगा, जैसा भी होगा। क्या मैं कत्ल करके पैसे देकर छूट जाऊंगी, या मेरे साथ नॉर्मल बिहेव किया जाएगा, मतलब क्या होगा? इस गवर्नमेंट का, इस लॉ का, इन एजेंसीज का क्या कहूं मैं, CBI, NCB, पता नहीं क्या हो रहा है। ED एकमात्र अभी बची हुई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेट्स सी, तब तक के लिए साथ दीजिएगा अगली अपडेट तक। आप तक जरूर जरूर सच्ची घटनाएं और सच्ची अपडेट लेकर आऊंगी जल्द से जल्द। मैं भूमिका मेहता, साथ दीजिएगा। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये नारा मेरा जिंदगी भर तक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जय हिंद।